अस्सलामुअलैकुम थार न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद मुश्ताक अहमद। दोस्तों काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूं, तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बारिश, जो मानसून, जो इस वक्त सिस्टम बारिशों का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है, तो इस हवाले से आज कुछ बात करेंगे कि सिंध के इलाके और उसके अलावा के पे जो है पंजाब बलोचिस्तान कौन कौन से इलाकों में बारिश पड़ेगी और कहां तक बारिशें पड़ेगी, इस हवाले से आज बात करेंगे। बात करने से पहले छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूंगा कि हमारा था न्यूज़ यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो दोस्तों इस वक्त उमरकोट सिटी और उसके अलावा थरपारकर, मीरपुर खास डिवीज़न मुकम्मल, मीरपुर खास डिवीज़न और उसके साथ मुकम्मल सिंध जो है इस वक्त आपको मैं मनाजिर लाइव दिखा रहा हूँ कि पूरा का पूरा आसमान जो है वो बादलों से भरा हुआ है। और उसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पे माग भी पड़ी हुई है, काफ़ी सारे जो है यहाँ पे इस वक्त ठंड का मनाजर नज़र आ रहा है, मौसम खुशगवार आप लोग देख सकते हैं इस मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोग, तो यहाँ पे बहुत अच्छी मौसम बनी हुई है। तो आज से लेकर 7 अप्रैल तक पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिशें पड़ने के बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो इसमें बारिशें ज़्यादातर सिंध के इलाके मीरपुर खास डिवीज़न जिसमें जो है मीरपुर खास आता है, उमरकोट, थरपारकर, उसके अलावा हैदराबाद, सुजावल, जो जो सिंध के अक्सर इलाकों में जो है बारिशें ज़्यादातर पड़ सकती है। उसके अलावा पाकिस्तान के और भी जो है सूबे है जैसे कि पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में ज़्यादातर बारिशें पड़ेंगी। और दोस्तों आप दोस्तों को बता दूँ इस बारिशों के साथ गरज चमक भी है, कहीं कहीं बर्फ़बारी भी होगी, तो गर्मी की जो है शिद्दत आज कुछ इख्तियार करेगी। अभी तो फिल वक्त जो है सुबह का टाइम है, यहाँ पे आसमान पे जो है बादल छाए हुए, अगर बादल हट जाते हैं तो गर्मी की शिद्दत जो है वो तकरीबन 45 सेंटीग्रेड तक भी जा सकती है। तो दोस्तों उसके अलावा आपको बता दूं ये बारिशों का सिलसिला जो है 7 अप्रैल तक जारी रहेगा। 7 अप्रैल यानी आज 30 मई से लेकर आज 29 आज शाम से लेकर 7 अप्रैल तक 8-9 दिन जो है बारिशों का सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा, जिसमें ज़्यादातर थर हैदराबाद, उमरकोट, मीरपुर खास, बद्दीन और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश पड़ सकती है। तो मज़ीद अपडेट देते रहेंगे, देखते रहें हमारा था न्यूज़।